दोस्तों 6,32,000 रुपये में महिंद्रा ने ये पिकअप डाला है मार्केट में। इनके पास बुलेरो पहले से है जो कि 9-10 लाख की रेंज में आता है, इनके पास जी तो पहले से जो कि डीजल पेट्रोल और सीएनजी तीनों में आता है, वो भी लगभग 4.5 लाख से लेकर 6 लाख रुपये तक आता है। पर 6,32,000 रुपये में ये गाड़ी क्यों डाला है? क्यों? क्योंकि ये सीएनजी प्लस पेट्रोल से चलता है। महिंद्रा की तरफ से आने वाला ये कोई पहला ऐसा इंजन है जो सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों से चलता है। अब ये गाड़ी महिंद्रा के पिकअप ऑलरेडी महिंद्रा पिकअप्स में नंबर वन है और स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स में उन्होंने यहाँ हाथ अजमाए एक नए फ्यूल ऑप्शंस के साथ में हाथ अजमाने। तो क्या है इस महिंद्रा सुप्रो की डियो गाड़ी के बारे में? आगे इतनी सारी कमानियाँ, पीछे इतनी सारी कमानियाँ, 7.5 फीट लंबे डाला के साथ में क्या स्मॉल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कुछ चीज़ें बदलने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या आपका वो 6,32,000 रुपये का जो प्राइस है, क्या आपको लगभग वो 7 लाख रुपये टोटल इस गाड़ी के भरने चाहिए, देने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। गाड़ी के चारों तरफ घूम के देख लेंगे, केबिन के बारे में बात कर लेंगे और फिर इस गाड़ी को लंबा सा चला के एक ड्राइव रिव्यू दे दूंगा आपको कि क्या कुछ है महिंद्रा सुप्रो डियो के बारे में, मतलब सीएनजी प्लस पेट्रोल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहता हूं, तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया था। सामने से अगर आप इस सुप्रो ट्रक को देखते हो ना, तो यहाँ पे एक तो ब्रांडिंग मिलता है, एक प्रॉफिट ट्रक। अब जब महिंद्रा ने इसको लॉन्च किया था 4-5 साल पहले, फिर इसका एक रिवाइज वेरिएंट भी आया था 2021 में, उस टाइम अभी डीजल में 2 पावर ट्रेन देखने को मिले थे, और अब 2023 में मतलब लगभग उससे भी 2 साल बाद इन्होंने पहली बार ऐसा महिंद्रा ने कोई इंजन बनाया जो सीएनजी प्लस पेट्रोल पे, जैसे मैंने इंट्रो में बताया आपको, चल सकता है। बट डिज़ाइन लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे आज से 4-5 साल पुरानी गाड़ी भी और ये गाड़ी भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो डिज़ाइन लैंग्वेज वर्कआउट कर रहा है। तो जनरली जो चीज़ मार्केट में ऑलरेडी चल रही होती है तो कमर्शियल व्हीकल्स में, और फिर इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी भाई छोटी छोटी चीज़ें चेंज करने के लिए डाई बदलनी पड़ती है पूरा मैन्युफैक्चरिंग में, वो कास्टिंग ही अलग हो जाता है इस चक्कर में। बाकी अब सीएनजी का एक नया स्टिकर ज़रूर आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा। ये वाले हेडलैम्प्स जो है ना, इनका थ्रो ठीक ठीक है, मतलब अगर आप जैसे अकेले जा रहे हो रात को सड़क पर हाईवे पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं, जैसे सामने से कोई लाइट आती तो आपको लगता है कि लाइट थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए, उस चीज़ के लिए एक मेरे पास सोल्यूशन है कि आप नीचे जो कैट आई रिफ्लेक्शन है या फॉग लैम्प की जगह है, तो अगर आपको लगे तो वो थोड़ा सा नॉमिनल सी कॉस्ट में आ जाते हैं, तो वो आप फॉग लैम्प चाहो तो लगवा लेना अगर आपका डेली हाईवे रन होता है, अगर ओकेशनल महीने में एक आध बार हाईवे जाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो है इनको काफ़ी बढ़िया सिंगल चंगल हैलोजन इनको प्लेस बहुत अच्छी जगह किया हुआ है, मतलब जो इनका हाइट है ऊपर से नीचे से जो हाइट दिया हुआ है ऊपर से जो हाइट दिया हुआ है वो अच्छा लगता है मुझे, थ्रो भी मतलब डिसेंट है, मतलब जो उनकी बीम का प्रोजेक्शन है वो बढ़िया है। यहाँ पर इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा साइड में आपको, जो है बढ़िया बढ़िया तरीके के जो पूरे पैटर्न देखने को मिलते हैं। सामने की तरफ अच्छा देखोगे ना आप तो आपको एक मतलब कलर वगैरह से कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 कलर ऑप्शन में अवेलेबल होता है, एक ये अलग से अजीब से ब्लू कलर में आता है, मतलब ब्लू कलर मुझे तो ब्लू का स्काई ब्लू जैसा कलर होता है पर वो स्काई ब्लू में भी ग्रीनिश टिंट में आता है। तो यहाँ महिंद्रा को बढ़िया सा लोगो है। अब कुछ लोग पूछते हैं कमर्शियल व्हीकल में भाई वो वाला लोगो क्यों नहीं आता महिंद्रा का जो XUV700 पे आता है, तो वो सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, कमर्शियल में महिंद्रा यही वाला लोगो कंटिन्यू करेगा। तो आपको महिंद्रा के जो ट्रक्स हो जाए या बसेस हो जाए या कोई भी CV हो जाए SCV वगैरह उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी महिंद्रा ने अपना वो DNA वगैरह शुरू से जब लॉन्च किया था तो वो देखा होगा आपने, मतलब एक इलेक्ट्रिक रिक्शा में भी ये लोग वो चीज़ कैरी करने की कोशिश करते हैं। बाकी सामने ये जो आपको हवा की अंदर जाने की जगह दिख रही है जाली वगैरह, इससे हवा अंदर जाती है, उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी ना जो रेडिएटर है वो आगे है, जीतों की तरह नहीं है इसमें कि इंजन पीछे लगा हुआ है डाले के नीचे, इंजन इसमें बिल्कुल ठीक ड्राइवर सीट के नीचे लगा हुआ है, तो उस कारण से। अब इंजन के बारे में बात करूंगा जब मैं चलाऊंगा तो उसके बारे में आपको ज़्यादा तब बताऊंगा। बाकी वाइपर वगैरह आपको अच्छे लगेंगे, अच्छी बात क्या है वाइपर्स में पानी आता है, और कसम से मैं कल रात को जो है वो बहुत ज़्यादा उसको यूज़ किया है क्योंकि शीशा बार बार गंदा हो रहा था, मट्टी उछल रही थी ऊपर और मुझे साफ़ करनी थी, तो अगर ड्राई वाइपर्स होते पानी नहीं होता तो बहुत दिक्कत होती, बट वो अच्छे से मतलब इसकी ग्रिप भी ठीक है, मतलब क्लीन भी अच्छे से करता है। एक CNG का स्टिकर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जिसे आप गाड़ी ले लेते हो, मान लो गाड़ी लेने के बाद एक आदमी की ये रहती है कि यार सेफ्टी का क्या सीन है, तो यहाँ से देखो एक 200 mm का, अब 200 mm कितना होता है लगभग आधे फिट मान लो, मतलब आधे फिट से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब पौना फिट 0.7 इंच के आसपास, तो ये 7 इंच के आसपास का यहाँ पे इन्होंने क्रैम्पल जोन दे रखा है, डेड जोन दे रखा है कि भाई इतना जो है वो जो गाड़ी में जो है इतना डेड स्पेस हमने दे रखा है। अब वो कितना आपको सेफ्टी वाइज मैटर करता है, बट मैंने एक प्रेजेंटेशन में ज़रूर महिंद्रा के सुना हुआ है तो वो मुझे पता था, तो मैंने जो है आपको सोचा कि बता देता हूँ। बाकी अब वो पैनल गैप्स वगैरह ठीक है, कंसिस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्टिकर आपको नया दिखेगा, CNG डियो दिखता है यहाँ पे, तो भाई ठीक है गाड़ी CNG के साथ पेट्रोल पे भी चलती है वो अच्छी बात है। और ये आपका रियर व्यू मिरर अच्छा इसमें से दिखता बहुत अच्छा है, ये ऊंचा है ना, मतलब चौड़ा भी उतना है, मतलब इसकी चौड़ाई भी ठीक है ऊंचा भी बड़ा है, तो काइंड ऑफ स्क्वायर है, तो वो जैसा थार जैसा इसमें चोट नहीं होता, जैसे थार में जनरली होता है ना, तो वैसा जो है वो नहीं होता, तो ये काफ़ी बढ़िया है। हालांकि एडजस्ट मैनुअली करोगे आप कमर्शियल व्हीकल में भाई 6,32,000 रुपये की कीमत है, उसमें आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक नहीं दिलवा सकता है ना, तो ऑटो फोल्डिंग वगैरह की बात कर लेते हैं कुछ लोग, तो पता नहीं कमेंट में क्या क्या बोलते हैं। और यहाँ पे जो है आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा, ये कुछ चीज़ें हैं इसके आगे वाली चीज़ से। अब मेन बात आती है डाला की, देखो
कमर्शियल व्हीकल है भाई, पिकअप है, आप पिकअप में क्या लेके जाओगे, माल लेके जाओगे, माल कहाँ में लेके जाओगे, डाला में लेके जाओगे, डाला में क्यों लेके जाओगे, क्यों, क्योंकि भाई रखने की जगह तो यही है ना, इसमें बूट स्पेस अलग से तो है नहीं, डिग्गी खोल के मैं बता दूंगा आपको। अब क्या है कि यहाँ पे 7.5 फीट की लंबाई मिलती है, मतलब ये जो लंबाई आप देख रहे हो ये 7.5 फीट की लंबाई है, विच इज़ ए डिसेंट। हालांकि मेरे हिसाब से 8 फीट की लंबाई जो होती है वो बेस्ट होती है, क्यों, क्योंकि उसमें एक प्लाईवुड जो हमारा होता है वो 8 फीट का होता है। तो बहुत सारी जो स्टैंडर्ड साइज़ की चीज़ें हैं, मतलब अगर आप मान लो कि वो हमारी जो 24 इंची 2 फीट वाली कैरेट होती है वो भी फिर आ जाती है उस हिसाब से, तो कई बार पानी की बॉटल्स वगैरह का हिसाब भी वो 8 फीट में बेहतर बैठता है। तो मुझे 6 फीट 6.5 फीट या फिर 8 फीट, मतलब ये 7.5 फीट थोड़ा सा बीच का डेक लेंथ हो गया, बट ठीक है। और 5 फीट की इसकी चौड़ाई आती है, बाकी आप बॉडी बनवा लो। अगर आपका बेकरी का काम है, ब्रेड का काम है, मिल्क का काम है, आपके लिए बहुत मज़ा आएगा 7.5 फीट की डेक लेंथ में। अब इसका ना जो व्हील बेस है ना वो 2000 mm से कम का है, मतलब 2 मीटर से कम का इसका व्हील बेस है, वो है 1950, मतलब 1950 mm का व्हील बेस है, जो कि आपको दिखेगा अभी कि लगभग आपको यहाँ पे 3 फीट की 4 फीट की जगह याद है कि 3 फीट की जगह आपको याद दिखेगी, फिर आपको आगे 4 फीट की जगह याद दिखेगी, मतलब मान लो ना वही। तो ये जो जगह है ना ये आप देखो कि व्हील बेस उसका छोटा है, मतलब आगे से भी वो पहिया थोड़ा सा पीछे है। फ़ायदा क्या होता है कि भाई माल को बीच में रखोगे तो माल स्टेबल रहेगा, अगर ज़्यादा लंबा डाला दे देते हो तो फिर गाड़ी में उतना स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है। हालांकि क्योंकि आगे की तरफ इंजन है, बीच में इंजन नहीं, आगे इंजन होने से क्या होता है कि आपका वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी गाड़ी की बढ़िया है। अगर हम यहाँ से बात करें तो कमर्शियल व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी होती है वो थी चैसी। अगर आप इसकी चैसी को देखोगे तो यहाँ से स्टेप अप चैसी दिखेगी आपको, मतलब यहाँ से ये चैसी डाउन है, यहाँ से चैसी डाउन आ रही है, ये देखो क्रॉस मेंबर्स का सपोर्ट लगा और वहाँ पीछे की तरफ अप कर दी, इससे टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया हो जाती है। कोई भी गाड़ी हो टेंसाइल स्ट्रेंथ कमाल की हो जाती है, और पीछे की तरफ आपको 7 पट्टा कमानियाँ देखने को मिलती है, आगे की तरफ आपको 8 पट्टा कमानियाँ देखने को मिलेंगे। हालांकि इन कमानियों की जो थिकनेस है वो थोड़ी सी मुझे लगता है कम है, मतलब जो मतलब इसे कहने के लिए 8 है, कहने एंड ऑफ अ गिमिक है, मतलब अगर इनकी जगह भाई मोटे वाले अगर 3 या 4 भी देते तो काम चल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बाकी महिंद्रा को लगा कि देना चाहिए, ये ड्रम ब्रेक्स पीछे आते हैं तो उसके लिए लाइन वगैरह जा रही है, ड्रम्स में एक्चुएशन करेंगे। ये जो टायर है वो 12 इंच का टायर है, 145 R12 का टायर आता है, और 145 R12 का जो टायर है वो एक तरीके से मतलब अपने आप में ही ठीक टायर है माइलेज निकालने के लिए, चौड़ा वगैरह भी ठीक होता है। बाकी इस टायर से कोई बहुत एक्सपेक्टेशंस मत रखना, एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, जब भी आप इसको बदलवाने जाओगे चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आएगी, क्योंकि सबसे सस्ता भारत में अगर कमर्शियल व्हीकल में कोई भी टायर मिल सकता है तो यही मिल सकता है, तो आपको बदलवाते टाइम जब टायर आपका वॉर्न आउट हो जाएगा तब। हालांकि उससे इस गाड़ी के हिसाब से ठीक ग्रिप आती, क्यों, क्योंकि इस डाले में 750 किलो का पेलोड का ही ऑप्शन है, 750 किलो का पेलोड आप लेके जा सकते हो। गाड़ी का अगर ओवरऑल वजन की बात करें तो 1850 किलो की गाड़ी आती है, मतलब भाई 1 टन से ज़्यादा की गाड़ी का खाली वजन है, मतलब गाड़ी भारी है, क्यों, क्योंकि भाई सीएनजी टैंक लगे हैं, 2-2 CNG टैंक आपको चैसी के नीचे देखने को मिल जाएंगे, जो गाड़ी का वजन बढ़ाते हैं। जो इसकी डीजल वाली गाड़ियां आती हैं, पेट्रोल वाली गाड़ी आती है, जो काउंटर पार्ट आते हैं उनमें आप देखोगे तो उनमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा पेलोड मिलेगा, उसमें मतलब 800-900 किलो तक पेलोड मिलता है, इस वाली गाड़ी में 750 किलो का पेलोड मिलता है, विच इज़ डिसेंट इनफ, मतलब कंप्लेंस नहीं है वहाँ भी कुछ। सीएनजी का एक स्टिकर यहाँ मिलेगा, सीएनजी का एक स्टिकर यहाँ मिलेगा, लाइट्स चेंज करनी चाहिए थी, एटलीस्ट एक VX करके कोई वेरिएंट निकलना चाहिए था, जिसमें थोड़े बहुत प्रीमियम फीचर जैसे कि म्यूजिक सिस्टम और LED लाइट्स और 1-2 चीज़ें और दे देते, बट फिलहाल नहीं दिया। और ये चीटियों को प्लीज़ आप माफ़ करना, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, एंड यहाँ हमें वीडियो तो बनाना ही है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर, बैकलाइट, ब्रेक लाइट कॉम्बिनेशन तो सब कुछ मिलता है, बट कोई ये चीज़ देखने वाली है। बाकी आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और ठीक काम करते हैं, मतलब अगर आपकी दीवार व्यवहार पीछे है तो ये आपको बहुत अच्छे से काम करेंगे। मेरे कैमरा मैन को भी जो है चीटियाँ वगैरह खा गई हैं, तो वो भी बेचारे कह रहे हैं कि रोक दे क्या, मैंने कहा नहीं भाई रोकना नहीं है। और यहाँ पे आपको जो है वो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको स्टेपनी मिलती है, खोलना लगाना काफ़ी आसान है, नीचे से काफ़ी अच्छे से एक्चुएट होकर बाहर आ जाती है। डाले वगैरह की हाइट वगैरह भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप एक्सल देखोगे पीछे वाला, तो क्योंकि गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो इसका प्रॉपर शाफ्ट एक्चुअली मजबूत है, बट आप वही है कि गियर्स का रेशियो जैसे मैं चलाते टाइम बताऊंगा कि थोड़े जल्दी जल्दी रेशियो आउट हो जाते हैं, मतलब जैसे तीसरे गियर में टॉप स्पीड 50 की है तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। बाकी आप देखोगे ओवर स्लंग या अंडर स्लंग कमानियाँ नहीं है, वो अच्छी चीज़ दिखेगी आपको, बाकी कोई चीज़ नहीं। और इसके ठीक पीछे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक CNG का टैंक दिख जाएगा। अब इसमें 2 CNG टैंक लगा रखे और 75 लीटर के आसपास टोटल CNG बनती है, एक 30 लीटर का टैंक है, एक 45 लीटर का टैंक है जहाँ तक मेरा अनुमान है। और दोनों में अगर हम बात करें तो 12 से 13 किलो CNG आप भरवा लोगे, सुबह सुबह भरवाने जाओगे खाली टैंक में, वैसे भी पूरी CNG कौन खाली करके भरवाता है, तो 12 से 13 किलो CNG इसमें आ जाएगी। वाटर कैपेसिटी 75 लीटर है, बट रियल वर्ल्ड में आप तो किलो में ही पूछते हो ना, किलो में ही भरवाते हैं CNG, तो 12 किलो के आसपास CNG इसमें भरती है। 5 लीटर का पेट्रोल टैंक है जो कि आप यहाँ से भर सकते हो, ये चीज़ है। बैटरी यहाँ है, इसमें ताला वगैरह लगवाना है आपको, अगर लगता है बाहर कभी चोरी वोरी हो जाएगी, अगर आपके पास थोड़ा खतरा है तो आप लगवा सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 12 वोल्ट की बैटरी है, सरल बैटरी है, ये भी मतलब कुछ खास ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत मेंटेनेंस वाली चीज़ है। बाकी अंदर कैटलेटिक कन्वर्टर लगा है, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल और CNG से आती है तो यूरिया वगैरह की बात इस गाड़ी में नहीं होती। जहाँ छोटी छोटी गाड़ियाँ जीतो जैसी गाड़ियों में यूरिया आ रहा है वो हमारा कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ाती है, ये गाड़ियाँ खर्चा बचाती है, क्योंकि यूरिया जैसी चीज़ों का कोई खर्चा वहाँ पे नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने स्टेप अप चेसी बताया था आपको ऑलरेडी, एक सिलेंडर्स वगैरह के बारे में बात करी थी। यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो आपको गाड़ी का गियरबॉक्स दिखेगा जो कि 4 स्पीड का है, केबल शिफ्टिंग के साथ में आता है, वो एक अच्छी बात है। और नीचे की तरफ आपको जो है वो प्रॉपर शाफ्ट वगैरह देखने को मिलेगी। बाकी आप अगर बात करोगे तो यहाँ पे जो लीफ स्प्रिंग दे रखी है ना, इनको काफ़ी लंबा फैला रखा है, महिंद्रा की शुरू से ही आदत है, तो
अच्छी चीज़ है, और एंटी रोल बार वगैरह देखने को मिलते हैं ताकि आपका लोड, मैंने बताया कि स्टेबल वहाँ से रहने वाला है। एक लास्ट चीज़ उसके बाद हम केबिन में जाएंगे, वो ये कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये स्नूरकल मिलता है। स्नूरकल से क्या है, हवा इंटेक ऊपर से होता है जिस कारण से आपको एयर फिल्टर की लाइफ बढ़िया हो जाएगी और आपको काफ़ी सारे हेल्प मिलेगी उसकी बढ़ी हुई लाइफ के साथ में, अच्छे मेंटेनेंस के पैसे बचाने में, अच्छे खासे पैसे आप उसमें मेंटेनेंस के बचा सकते हो। अब अगर मेरे ऊपर चीटियाँ हैं तो उनको प्लीज़ माफ़ कर दो, और आप आओ केबिन के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बदली हैं, बट कुछ खास है दिखाने को। और दोस्तों अगर बात करोगे गेट के बारे में तो हैंडल्स वगैरह, पैडिंग वगैरह, ये सारे हैंडल्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई शिकायत कर सको। मुझे तो ये मॉडल जो लॉक है ना, ये भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो वहीं रखा है, मैनुअल है, बट वो गोल वाला नहीं है, थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ वो भी डिसेंट सा टच है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह पे प्लास्टिक, आप जब शोरूम जाओगे एक बार इंक्वायरी करने के लिए गाड़ी खरीदने के टाइम, तब आप एक बार करना। यहाँ पे एयर वेंट्स के लिए जगह दे रखी है। मैंने एक ब्रोशर में मॉडल देखा था, उसमें पता नहीं एसी के एयर वेंट्स कहीं देखे थे मैंने, बट इस गाड़ी में एयर वेंट्स की उम्मीद मत रखना। 26-27 एचपी की गाड़ी है भाई, 60 न्यूटन मीटर टॉर्क है। एसी लगा के जान निकाल दोगे गाड़ी की, फिर माल कहाँ ले जाएगी आप, एसी चलाने में पावर निकल जाएगा, वो चीज़ ध्यान रखना। बाकी टू स्पोक का आजकल स्टीयरिंग व्हील जो कि फैंसी है एक्चुअली, थोड़ी कॉस्ट कटिंग के हिसाब से भी रहती है चीज़ें, और इसमें क्या ये ना दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से ऊपर का भी क्लियर व्यू आ जाता है, तो वो चीज़ है। बाकी इसके बारे में मैं आपको अलग से चीज़ें बताता हूँ क्योंकि बहुत ही सरल सी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। बाकी लाइट्स और आपको वाइपर वगैरह का जो कंट्रोल है, वो वाइपर के कंट्रोल्स कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 3 स्पीड के वाइपर आते हैं, विच इज़ गुड इनफ, क्योंकि जनरली हमने गाड़ियों में देखा है कि वो हमें 2 स्पीड के वाइपर्स देखने को मिलते हैं। पैडल प्लेसमेंट्स काफ़ी एर्गोनॉमिक है, मैंने इसको 200 किलोमीटर के आसपास चलाया, मुझे एक बार भी समस्या नहीं आई। एक्सीलेटर जरूर मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वाला है, वायर वगैरह वाला नहीं है। बाकी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, और यहाँ पे आपको जो है वो क्लच मिलती है। यहाँ से आपको हेडलाइट लेबिंग देखने को मिल जाती है, और ये आपका सीएनजी और पेट्रोल दोनों में स्विच करने के लिए वो है। अब एक चीज़ इस सीट के बारे में गड़बड़ है, वो ये कि ये सीट जो आगे पीछे तो जा सकती है, बट किसी भी कंडीशन में ये सीट पीछे नहीं जाती। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं छोटा हूँ और मैंने इस सीट को, मुझे अगर इसको पीछे रिक्लाइन करना है तो ये एक्स वाई डायरेक्शन में ही जाती है, मतलब इधर आएगी और इधर जाएगी, वाई जेड डायरेक्शन में जाती है। ऐसे ऐसे नहीं कर सकता, वो एक बहुत बड़ा वो है। और स्टीयरिंग तो आपको पता ही है फिक्स है, बट ठीक है, एंट्री लेवल पिकअप है तो मैं उसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख सकता हूँ। अब मैं उधर से बुलाता हूँ कैमरामैन को और फिर आपको बताता हूँ कि क्या सारी चीज़ें और हैं। सबसे पहले जो चीज़ नोट करोगे आप कि D+1 की पासिंग में आता है, D+2 की पासिंग नहीं मिलती, बट आप समझदार हो, सीट चौड़ी है, आपकी मर्जी आगे है, ठीक है। बाकी स्टोरेज स्पेस यहाँ ठीक प्रैक्टिकल है, बॉटल होल्डर कहीं नहीं है गाड़ी के अंदर, पानी की बॉटल आप रखोगे तो आपको जुगाड़ से रखनी पड़ेगी। बाकी म्यूजिक सिस्टम के लिए जगह यहाँ मिल जाती है, 12 वोल्ट का आउटलेट मिलता है, इससे हमने काफ़ी यूज़ किया, ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, हमारा मोबाइल वगैरह काफ़ी अच्छे से चार्ज हुआ। थोड़ा सा स्पेस यहाँ मिलता है, पर्स वगैरह आपको रखना है, कुछ पर्ची थोड़ी बहुत रखनी वो आ जाएगी। छोटी सी लाइट है, IRVM अच्छे से काम करता है, और यहाँ पे सनवाइजर दिया हुआ है जो कि ठीक काम करता है। ये हमारे गाड़ी के जो है पेपर्स हैं, तो ये टिकट होल्डर भी जो है इसमें दिया हुआ है, तो आप यहाँ से टिकट होल्डर के साथ में काम ले सकते हो, हमने टिकट को होल्ड कर दिया। तो ये कुछ बातें, मंदिर वगैरह अंदर लगवाना यहाँ लगवा लो। और मैंने बताया एसी नहीं आता, फिर भी देखो यहाँ पे एक एसी के लिए जगह दे रखी है, यहाँ भी थोड़ी सी जगह, मैंने एक डैशबोर्ड में स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, देखो आप। और यहाँ पे जो है आपको कहीं ना कहीं एयर फ्लो वगैरह देखने को मिलता है। बाकी केबिन वगैरह आपको ठीक लगेगा। एक चीज़ आपको अच्छी लगेगी वो ये कि जो गियर लेवर है वो थोड़ा सा आगे की तरफ है, इस कारण से फायदा ये होता है 4 स्पीड का, ये कि ये थोड़ा सा यहाँ है, मतलब वो डैश माउंटेड थोड़ा सा ऐसा नहीं है, मतलब वो पहुँच से दूर हो, पहुँच में मैं 6 फीट का हूँ फिर भी कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ, बस थोड़ा सा इसका एंगल और अगर एडजस्ट कर सकता तो मेरे लिए बेस्ट बात रहती, और मेरे को इसमें कहने के लिए कुछ नहीं है। बाकी मैं गाड़ी को लेकर चलता हूँ ड्राइव पे और आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ कि भाई गाड़ी खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। केबिन के बारे में ये सब बातें, सिटी में चलाने में इसको दिक्कत नहीं होती, जब आप इसको सिटी में लेके चलते हो तो एक बहुत अच्छी चीज़ इसको फेवर करती है, वो ये है कि गाड़ी जो है वो एकदम कहते हैं ना कि वो पट्टा कमानी पे होने के बाद भी झूला नहीं है इस गाड़ी के अंदर, मतलब वो झूला ऐसा है कि आपको पता चलते रहता है कि गाड़ी एक्चुअली कहाँ जा रही है, मुझे कितना काउंटर स्टीयर करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ट्रैफिक को आप बहुत आसानी से नेगोशिएट कर लेते हो इस गाड़ी के अंदर में, ये बहुत अच्छी बात है। एक CNG और एक पेट्रोल इंजन से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उसमें आवाज़ कम होगी, बट मेरे साथ में ये उम्मीद इसलिए नहीं करता इस गाड़ी से क्योंकि 2 सिलेंडर वाली गाड़ी है। अब 2 सिलेंडर इंजन के साथ में मैं क्या उम्मीद करूँगी, आवाज़ जो है वो वैसी होगी। और एक चीज़ और इसके बारे में देखने लायक है, वो ये कि जो उसके गियर रेशियोज़ हैं वो इस तरह से हैं कि वो जल्दी वॉर्न आउट हो जाते हैं, मतलब जल्दी मैक्सिममली बाहर चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं गाड़ी को 3rd गियर में चला रहा हूँ तो ये 50 के आसपास ये गियर का पूरा डेड एंड है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं जाती। इस गियर में पुश ठीक है, सबसे बढ़िया गियर जो मुझे लगा पावर के हिसाब से, टॉर्क के हिसाब से इसमें आता है 60 न्यूटन मीटर का, तो 2nd गियर बैलेंस आउट करता है चीज़ों को। अभी देखो मैं एक गड्ढा नेगोशिएट कर रहा हूँ तो ऐसा लगता ही नहीं कि गाड़ी पट्टा कमानी पे है, गाड़ी ऐसा लगता है ऐसे कोई सस्पेंशन वगैरह पे है। एंटी रोल बार जो गाड़ी में लगा रखे हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प करते हैं, वो एक चीज़ आपको गाड़ी में बहुत अच्छी लगेगी। गाड़ी में 27 हॉर्स पावर का इंजन आता है, अब 27 हॉर्स पावर काफ़ी सारे कामों के लिए सही भी होते हैं, और हमने बहुत वक्त से ट्रेंड भी देखा है जो कि कुछ इसी रेंज में आया था। पहले हमने जीतो में भी 16 HP की जीतो देखी, फिर हम अगर बात करें इसके
टाटा के छोटा हाथी की वहाँ भी 20 HP का इंजन देखा, सक्सेस हुई सारी चीजें, और फिर ये 27 HP का इंजन आता है। बट इससे आप एक्सपेक्ट करो कि पावर चाहिए आपको, बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, बहुत ज्यादा भगाना है, तो नहीं। फिर उस कंडीशन में आपको जो चीज देखनी पड़ेगी वो ये कि भाई मेरे को एक 46 HP वाला इनका डीजल वेरियंट आता है वो ले लो। सुपरो मिनी प्रॉफिट ट्रक फिर आपके लिए एक सही गाड़ी नहीं बैठेगी। साथ ही साथ में इसमें जो 7.5 फीट की डेक लेंथ आती है वो काफ़ी सारी ज़रूरतों के लिए पूरी होती है, और अगर आपका प्लाई बोर्ड का काम है या आपके डेक स्पेसिफिक काम है जिसमें 8 फीट की स्पेसिफिक डेक लेंथ लगती है, तो 8 फीट का डाला नहीं है इस गाड़ी का, 7.5 फीट का है, तो वहाँ भी आपको एक बार चेक करना चाहिए कि क्या मेरा वो जो रिक्वायरमेंट है क्या वो यहाँ से फुलफिल होता है, क्या मैं उस गाड़ी को यहाँ से लेने के बाद में इस एप्लीकेशन में डाल सकता हूँ, वो एक चीज़ है। 750 किलो का कंपनी पेलोड कहती है, डे टू डे लाइफ में आप 1 टन के आसपास भी इसमें लोड लेके जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हालांकि हमने इसको विदाउट लोड ही टेस्ट किया है, हमने लोड नहीं डाला। कारण ये होता है कि हमारे पास इसमें पीली प्लेट नहीं होती, बिना पीली प्लेट, बिना भारत सरकार को राजस्व दिए टैक्स दिए आपको नहीं चलाना चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तरह, तो वो चीज़ है। बाकी हमारे घर पर काफ़ी सारा डेड लोड जो है वो पड़े रहता है, सैंड वगैरह की बोरियाँ, तो नेक्स्ट टाइम जब गाड़ी आएगी तो हम जो है कुछ TR लगा के, टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन लगा के एक बार लोड टेस्ट भी आपके लिए कर देंगे। बाकी स्टीयरिंग मैनुअल है, तो सच बताऊँ तो अगर आपको कोई टाइट टर्न लेना पड़ता है तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, और टाइट टर्न्स वगैरह इस गाड़ी के लिए कायदे से जो है वो थोड़े से मुश्किल फील होते हैं, क्योंकि आपको स्टीयरिंग एफर्ट्स बहुत लगता है, स्पेशली अगर गाड़ी भरी हो, जैसे मान लो मैंने उसमें डाल रखा है 6-7 क्विंटल माल डाल रखा है, तो गाड़ी में थोड़ा स्टीयरिंग इफेक्ट ज़्यादा है जो मुझे पसंद नहीं है, और साथ में डेड सेंटर का प्ले बहुत ज़्यादा है। आप देखिए यहाँ पर डेड सेंटर में कितना प्ले है, मतलब गाड़ी जो है वो इस तरह से है कि मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार ये चीज़ और गाड़ी में कैटर होना चाहिए। अगर आप एक मार्केट में ऐसी पिकअप देख रहे हो जो मतलब आपको एक बिजनेस के लिए चाहिए, जिस बिजनेस का आपको पता है कि लोड क्या होने वाला है, फॉर एग्जांपल मैं रेस्टोरेंट ओन करता हूँ, मेरे लिए प्रायोरिटी रहेगी कि यार मेरी सब्जी जो है वो आ जाए, मेरा जो ग्रॉसरी से किराना जो FMC से जो है वो मेरा सारा का सारा आ जाए, साथ साथ में मुझे कभी कभार रेस्टोरेंट के लिए कुछ और भी लाना है तो वो मैं लेके आ सकूँ, उस चीज़ में ये गाड़ी ठीक है, तो उस कंडीशन में ये गाड़ी ठीक है, उस कंडीशन में इस गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं आती। बट अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरे को मार्केट में चौराहे पे गाड़ी खड़ी करनी है और जो भी मार्केट रोड मिलेगा मैं वो ले लूँगा, फॉर एग्जांपल सीमेंट मिलेगा तो वो ले लूँगा, ऊपर एंगल वेल्ड करा के सरिया ले लूँगा, तो ये गाड़ी उसके लिए नहीं है, स्पेशली CNG वाली गाड़ी। CNG वाली उन भाई बंधुओं के लिए है, उन बिजनेसमैन के लिए है, उन इंडिविजुअल रिटेल ओनर्स के लिए है जो लोग ये चाहते हैं कि गाड़ी एक तरीके से इस तरह से हो कि लंबी चले, मतलब वो जो 3 साल 80,000 किलोमीटर की कंपनी वारंटी देती है उसके हिसाब से गाड़ी चलती रहे, तो गाड़ी बहुत अच्छी आती है। एक्चुअली ना इन अभी जी पहला ऐसा इंजन है जो महिंद्रा की तरफ से बाई फ्यूल में दिया गया है, ड्यूल फ्यूल में दिया गया, मतलब पेट्रोल प्लस CNG आता है। इनके पास अब तक कोई इंजन नहीं था जो दो फ्यूल ऑप्शन से चल सके, तो इन्होंने पहली बार सेम प्लेटफॉर्म पे सेम चैसिस पे वो डालने की कोशिश करी है, उसी का पावर ट्रेन जो है वो बदला है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि अभी किसी को भी नहीं पता मार्केट में कि किस तरह से इंजन रिस्पॉन्ड करेगा। कई बार जब मैं इसको बहुत खींच के चला रहा था, सेकंड गियर में थोड़ी देर चला रहा था, तो मुझे इसका टेम्परेचर का भी जो है वो गेज बढ़ते हुए देखा कि भाई टेम्परेचर गेज भी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा था, तो वो एक चीज़ मुझे दिखती है। दूसरी बात, जैसे मान लो कि आप हाईवे वगैरह पर चल रहे हो तो 50 के बाद में अगर आपको पावर चाहिए तो 50-60 की स्पीड के बाद में तो वो एक पावर खत्म हो जाती है, वो जो फोर्थ गियर है वो मोर ऑफ का ना मोर और लेस ऑफ ओवर ड्राइव गियर है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो आपका पावर निकालेगा या पावर खींचेगा, या कई बार तो ऐसा होता है कि वो गियर मोमेंटम खत्म कर देता है। मान लो आप 60 की स्पीड में चल रहे हो तो आपको मोमेंटम खत्म होकर गाड़ी 50 की तरफ आ रही है, तो आप दोबारा 60 पे नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि फोर्थ गियर में तो पावर पुश करेगा नहीं, और थर्ड गियर की टॉप स्पीड ही 50 की है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। कमर्शियल व्हीकल्स में 80 की स्पीड रेगुलेटेड रहती है, इस गाड़ी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि गाड़ी की टॉप स्पीड 70 के आसपास ही आती है। पहले वाले सुपरोस में लोगों ने शिकायत करी थी कि कोई रेटल नॉइज आती है, कहीं से बजने लगती है गाड़ी, या प्लास्टिक क्वालिटी जो ऐसी है, तो इम्प्रूवमेंट है, थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स इन्होंने किए हैं। डेफिनेटली लॉक्स के मामले में बात कर लो, बहुत सारी और चीज़ों के मामले में बात कर लो, तो इन्होंने डेफिनेटली काफ़ी कुछ जो है वो इम्प्रूव किया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो डाली हैं गाड़ी के बारे में जो इनको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार गाड़ी में बढ़िया है और अच्छी चीज़ें। एनालॉग जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखने में बहुत सुंदर है, पढ़ने में बहुत आसान है। मुझे डिजिटल वाले पसंद नहीं है, मैं पर्सनली डिजिटल वालों का उतना ज़्यादा फैन नहीं हूँ, तो वो चीज़ मुझे एक लगती है कि यार ये पर्सनल वाले जो डिजिटल वाले हैं वो इतने बढ़िया नहीं लगते, ये नीडल वाले एनालॉग वाले के कंपैरिजन में। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपको मतलब CNG का मीटर भी बहुत अच्छे से दिखा देता है कि कितना CNG गाड़ी के अंदर बचा हुआ है। इसी के साथ साथ में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी और भी चीज़ें, जैसे कि टेम्परेचर गेज के या फिर क्लियर इंडिकेशन आता है, ट्रिप एंड ट्रिप भी मिल जाती है आपको, ऑडोमीटर रीडिंग तो मिलती है कि गाड़ी कितने किलोमीटर आपकी चली हुई, तो वो चीज़ें हैं। 70 के आसपास मैक्स आउट हो जाती है, रात को बहुत खूबसूरत लगता है, रात को चलाने में बहुत ही सुंदर लगता है, और ये गाड़ी एक्चुअली कम्फर्टेबल है। जैसे
अब तक कंफर्ट में एक चीज महिंद्रा ने मिस कर दी कि वाली मेरी सीट है, ऐसे ऐसे तो हो सकती है बट पीछे फिक्स है, मतलब मैं इसको पीछे नहीं कर सकता। अगर मैं सीट को आगे करके भी थोड़ा बहुत पीछे बैक एंगल की चेंज करने की कोशिश करूँ तो बैक एंगल इज अ काइंड ऑफ फिक्स, बैक एंगल आप चेंज नहीं कर सकते, वो एक चीज़ है। बाकी पीछे का दिखता बहुत अच्छा है, अच्छा है, इंटरनल रियर व्यू मिरर हो आउटसाइड रियर व्यू मिरर हो देखने करने में कोई दिक्कत नहीं है। डैशबोर्ड विजिबिलिटी ए पिलर भी जो है वो थे ना, आप कभी शार्प टर्न ले रहे हो तो सिर्फ स्टेयरिंग एफर्ट्स आपको ज़्यादा लगाने हैं, वो चीज़ है। गियर बॉक्स बढ़िया है, केबल शिफ्टेड है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, वहाँ पे भी आप आसानी से लगा सकते हो। जो इनका पॉजिटिव इग्निशन वाला सीएनजी का दो सिलेंडर वाला इंजन है, इसके बारे में 27 HP मुझे एक्चुअली ठीक लगता है। एक्चुअली पेट्रोल में पावर फिगर्स थोड़े से और ऊपर नीचे होते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि पेट्रोल में गाड़ी थोड़ी देर फील होती है बट, और पेट्रोल सीएनजी को स्विच करना भी आसान है, यहीं से जो है गाड़ी को स्विच कर सकते हैं। सस्पेंशन के बारे में 8 पटक हमारी आगे आती है, 7 पटक हमारी यहाँ पीछे आपको देखने को मिलेंगी, तो गाड़ी को बैलेंस आउट करने के लिए वो चीज़ें मेरे ख्याल से ट्राई की गई हैं और ठीक है वो चीज़ भी। देखो ये गाड़ी किन लोगों के लिए है, ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिनको अशोक लेलैंड की दोस्त सीएनजी थोड़ी महंगी लगती है, उन लोगों के लिए है जिनकी टाटा इंट्रा V20 बाई फ्यूल का बजट नहीं है, उन लोगों के लिए है जिनको जो हमारी जीतो आती है और हमारी सुपर कैरी आती है उनमें आगे की तरफ कमानियाँ ना मिलने के कारण दोनों गाड़ियाँ पसंद नहीं है। तो जो बीच का रास्ता है वो ये महिंद्रा की सुप्रो है। मेंटेनेंस वगैरह के बारे में मुझे नहीं पता, माइलेज वगैरह के बारे में गाड़ी 20 का माइलेज सीएनजी में देती है, 1 किलो सीएनजी के अंदर आपको लगभग 20 किलोमीटर गाड़ी जो है चलेगी। ये मेरा पर्सनली ऑब्जर्वेशन है और ये कहीं ना कहीं सच भी है, मैंने मतलब जो है टेस्ट कर रहा हूँ मैं इसको लगभग 180 किलोमीटर के आसपास मैंने गाड़ी चला ली है जब से मुझे गाड़ी मिली है, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन इस गाड़ी में है। गाड़ी के 12 इंच के टायर कई बार आपको ऐसा लगेगा छोटे हैं बट वो माइलेज निकालने के लिए बहुत अच्छे हैं, तो आपको उसमें भी कभी दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं इस गाड़ी के बारे में, उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और कीमत की बात करें तो 6,32,000 रुपये से ये गाड़ी शुरू होती है और 6,32,000 से शुरू होती है, मतलब आपको लगभग 7-7.5 लाख में घर आ जाएगी। डाउन पेमेंट की बात करें तो लगभग 1 लाख रुपये के आसपास, 90,000 के आसपास कंपनी डाउन पेमेंट करती है। मॉनसून ऑफर्स वगैरह में तो आपको कई बार 0 डाउन पेमेंट पे सिर्फ फुल EMIs पे भी आपको गाड़ी मिल जाएगी, तो अगर डीलरनेस महिंद्रा डीलरशिप पे पता ज़रूर कर लेना। अच्छी बात यह कि 850 से ज़्यादा इसके सर्विस सेंटर्स भारत में, टच पॉइंट्स आप कह सकते हो, तो टच पॉइंट्स इसके हैं। तो गाड़ी खरीदने से पहले मुझे लगता है कि आपको ये सब बातें जानना ज़रूरी थी जो कि मैंने बता दिया है आपको। अब अगर आपकी कोई और भी सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उनका जवाब दे दूंगा। 6,32,000 के प्राइस टैग के साथ में मुझे ये गाड़ी जो है वो कमाल की लगती है। क्यों? क्योंकि देखो मेरे पास ना 9-10 लाख का बजट है कि मैं एक बोलेरो सीएनजी की तरफ जा पाऊँ, ना ही मेरे पास वो एक बजट है कि मैं इंट्रा V20 के पास जा पाऊँ। और मुझे जीतो इसलिए पसंद नहीं आती क्योंकि उसमें आगे पट्टा कमानी है ना, आगे एक जो है सस्पेंशन सिस्टम आता है। मारुति सुजुकी सुपर कैरी को मैं इसका कॉम्पिटिशन कभी मानता नहीं हूँ क्योंकि वो गाड़ी मेरी नज़र में वो कभी वैसी नहीं रही। तो अगर आपको माइलेज निकालना है, महिंद्रा के 850 टच पॉइंट्स का वो भरोसा चाहिए और आपकी स्पेसिफिक चॉइस है कि मुझे सीएनजी वाली गाड़ी चाहिए बट उस सीएनजी की रेंज एंजाइटी नहीं चाहिए कि भाई सीएनजी खत्म हो गई मिल नहीं रही तो मैं क्या करूँगा, 5 लीटर के बैकअप पेट्रोल से मैं गाड़ी को चलाऊंगा। 27 HP के पावर से अगर मैं संतुष्ट हूँ, मुझे 70 की टॉप स्पीड पसंद आती है, तो मुझे महिंद्रा की सुप्रो ड्यूओ पसंद आती है, सीएनजी बस पेट्रोल पसंद आती है। सरल सी बात है, बजट बढ़ा सकते हो तो आपके पास हायर एंड में गाड़ियाँ बेहतर अवेलेबल है, पर फिलहाल अगर आपका बजट लगभग 7 लाख तक ही लिमिटेड है, मतलब 6-32 की गाड़ी, बाकी RTO, GST, रोड टैक्स और इंश्योरेंस ये सब चीज़ों के साथ में 7 लाख रुपये तक चुका सकते हो जेब में उतना ही पैसा है, तो आपके लिए ये गाड़ी बढ़िया है। 7.5 फीट की डैक लेंथ आपकी ज़्यादातर नीड्स को कटर कर देगी बट 8 फीट की डैक लेंथ अगर गाड़ी में होती तो सोने पर सुहागा हो जाता। फिलहाल मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, रमन नायक फिलहाल बिहाइंड द व्हील्स में आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू कराइए और ट्रैफिक पुलिसमैन से बेवजह मत झगड़िए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।